मंडळाकडून विनंती आहे ते मॅच स्पीड अप करून घ्यायची आहे. दिनाथ गेंदबाजी मार के ऊपर एमएस की ओर से अगर बात की जाए तो संकेत और आदित्य ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में. हेलो बहुत ही बढ़िया स्टोक मैदान के बीच में फाइनल में गेंद निकलते हुए छह रनों के लिए बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक. अगर बात की जाए संकेत के बल्ले से खूबसूरत छक्का निकलते हुआ. लाइनमैन निर्णय करवाए थे 4 रन. सुंदर से काम या पूर्ण दिवस लाइनमैन तो राहल एक सुंदर निर्णय लाइनमैन करूंगे तो 4 रन सब दूसरे चेंडूवर. इसी बीच ये गेंद बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं हां ना किसी से मैदान के बीच में और यहां पर पहला रन मुकम्मल किया. दूसरे रन का प्रयास शायद रहेगा जोखिम भरा. एक रनों के ऊपर संतुष्ट दोनों बल्लेबाज. बिल्कुल अगर डायरेक्ट होता तो यहां पर विकेट का पतन जरूर होता. कुल मिलाकर 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके संकेत और आदित्य बेहरे ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में. संकेत तुलस्कर 9 स्ट्राइक के ऊपर स्ट्राइक के ऊपर आदित्य बेहरे और गेंदबाजी मार्के पर दिनाथ ये युवा गेंदबाज गेंदबाजी मार्के पर सीमित 5-4 ओवर का ये मुकाबला. पहले ओवर चुके पावर प्ले का चलता हुआ वैताईश्वर आजगांव की ओर से. पहली गेंदबाजी स्वीकारी जिन्होंने. इसी बीच अगेन पॉइंट के रिदन में और कवर के बीच में गेंद ट्रैवल हुए तेजी और रफ्तार के साथ गेंद सी मार्क के पार 4 रनों के लिए. बिल्कुल पहले टॉस जीतकर एमएस टूरिस्ट टीम ने फैसला किया गेंद बल्लेबाजी करने का और गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया वेताड़ेश्वर आजगांव टीम को. तो पहले बल्लेबाजी करते हुए पहले ओवर में अभी तक बिल्कुल 9 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर. पहले गेंद के ऊपर बिंदी दूसरे गेंद पर चौवा तीसरे गेंद पर सिंगल और चौथे गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव का इस्तेमाल 4 रन मिले. कदमों का इस्तेमाल आ गया अगर खेलने का प्रयास किया क्या मौका बनेगा. जी हाँ बिल्कुल लेकिन यहाँ पर देखो हरा किरी की खिलाड़ी तैनात था. बिल्कुल खिलाड़ी के गोदी में गेंद थी लेकिन कॉलिंग सही नहीं. वहां पर एक आसान सा मौका इस मैदान में. मैं अक्सर कहा करता हूँ काका सर स्कूल में मस्ती और क्रिकेट में गलती आपको हंसते महंगी पड़ सकती है. आखिरी गेंद का खेल बाकी इस पावर प्ले के ओवर का और कैच किसका छोड़ा आदित्य बहरे जो ताबत वाले बल्लेबाज इनफॉर्म बल्लेबाज है जिनके पास क्षमता है मैदान के चारों ओर बल्लेबाजी करने की. उस बल्लेबाज को यहाँ पर मौका मिला. बिल्कुल देखते हैं इस मौके को किस प्रकार से बरकरार रखते हैं मैदान में. और इसी बीच संकेत दरम्यान विनंती राहील जर कोणची वाहने रस्त्याच्या कडेला उभी असतील तर आमच्या लालपरीला मार्क करून द्यायचं विनंती राहील. लालपणीला मार्ग करून द्यायचे. रेस्टी बटन की अल्टीपल्टी शॉट बिल्कुल 4 रन मिलेंगे इसके 3 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर और 3 रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. पहले ओवर का खेल हुआ समाप्त 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर. दिनाथ के बेहतरीन बल्लेबाज गेंदबाजी एक दो चौके जरूर खाए लेकिन उसके बाद बिल्कुल खामोश रखा है बल्लेबाजों को. एक कैच का जरूर मौका बना था एक आसान सा मौका लॉलीपॉप जैसा कैच लपकने का लेकिन ये आसान छोटे छोटे मौके आपको बिल्कुल बनाने पड़ते हैं पड़ेंगे मैदान में. धीरज नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर युवाओं का भरना शायद इस टीम में रहेगा. आज का टीम की अगर बात करते तो बिल्कुल मधु वराड़कर जो फर्नांडिस रैक्सो कोयलो जैसे ताबड़तोड़ धाकट बल्लेबाज साथ साथ वैभव जाधव जैसे खिलाड़ी जिनके नाम सामने आते हैं. लेकिन इस टीम की अगर बात की जाए तो बिल्कुल युवा सब
खिलाड़ी मैदान के बीच में संदेश चाटो जैसे एक बेहतरीन गेंदबाज और सामने भी तुलस जैसे अगर बात की जाए उनके पास भी युवा उनका भरना है। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल शायद लेग स्टंप के बाहर रही गेंद, अंपायर ने यहाँ पर बाइक्स की तरह बिल्कुल एक रन यहाँ पर मिलता हुआ, एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ा 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सीमित चार ओवर का मुकाबला, कम से कम 40-45-50 तक पहुंचने की कोशिश होनी चाहिए मैदान में अगर आपके पास गेंदबाजी सक्षम हो तो। फिर एक बार धीरज चले गेंदबाजी मार्ग के ऊपर, आदित्य वर्ग ये संकेत, ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में, अभी तक 13-14 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर। धीरज की दूसरी गेंद, अंपायर के दबाई ओर से गेंदबाजी, ये गेंद बहुत ही बढ़िया थी लेकिन हल्के से स्टीयर किया गया, खाली दिशा दी गेंद को, लॉन्गर और लॉन्गअप के बीच में गेंद ट्रैवल हो रही तेजी और रफ्तार के साथ, तब तक खिलाड़ी आते गेंद को फेल करते वापिस थ्रो, तब तक दूसरा रन सिंगल रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने, दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने और दो रनों के तहत पारी का स्कोर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बिना कोई विकेट खोई। ये बिल्कुल सही बात है, मैदान ने अभी तक विकेट नहीं खोया लेकिन उतने रन भी नहीं बन रहे। ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, टिप्पा गेंद के बाद हल्के से ऊंचाई प्राप्त करते हुए गेंद बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से विकेट कीपर के दस्तानों में, कुल मिलाकर 16 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। बिल्कुल अभी तक रन नहीं, रनों पर अंकुश लगाया है मैदान में, बड़े शॉट के लिए तरसने वाले गेंदबाज जल्दी सिंगल डबल के ऊपर निर्भर रहने का मजबूर किया है दोनों बल्लेबाजों को। इसी बीच सिंगल रन मुकम्मल, दूसरे का प्रयास रहेगा जोखिम भरा लेकिन यहाँ पर दूसरा रन भी यहाँ पर मुकम्मल करते हुए आसानी के साथ दूसरा रन यहाँ पर मुकम्मल, और किसी थ्रो यहाँ पर खराब निकला और उसके चलते थे दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ मैदान में। दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 4 गेंदों का खेल हुआ समाप्त दूसरे ओवर का, 2 गेंदों का खेल बाकी अभी भी, लेकिन फिर एक बार चले गेंदबाजी मार के ऊपर धीरज अंबर के भाई ओर से बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक तो चल रही है मैदान में। यह गेंद अब मात्र उड़ाया बहुत देर के बाद, कैच के लिए मौका बनेगा लेकिन यहाँ पर देखो बेहतरीन फील्डिंग आसानी के साथ गेंद को लपक और चलता किया एक धाकड़ बल्लेबाज आदित्य बेरे बैक टू द पवेलियन डीजे। बात की जाए तो एक बेहतरीन खिलाड़ी जिन्होंने तुलस गांव का नाम बिल्कुल सिंधु के स्तर पर पहुंचाया लेकिन फिलहाल मैदान के बीच में किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं अपने तुलस गांव के लिए ये देखने वाली बात रहेगी। सामने युवाओं का भरने वाला खिलाड़ी बिल्कुल वेताईश्वर आजगांव टीम, धीरज जो कि गेंदबाजी मार के ऊपर अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर मैदान के बीच में आने वाले के साथ घुमाया गेंद को, कार्पेट के सारे गेंद निकलते हुए तेजी और रफ्तार के साथ जब तक आते खिलाड़ी और गेंद को फील करते वापिस थ्रो तब तक दूसरा रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। दो रनों के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ कुल मिलाकर 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। दो ओवर का खेल हुआ समाप्त, यानी कि 12 गेंदों का खेल समाप्त होता हुआ 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर महत्वपूर्ण एक विकेट बैक वापस डगआउट में लौटता हुआ लेकिन आने वाले 12 गेंदों में यहां से गियर चेंज करना होगा। अभी तक 20 रन जरूर बने लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं और 20-30 रन बनने की कोशिश होनी चाहिए, थोड़ा गियर चेंज कर मैदान में बल्लेबाजी होती है तो मजा आएगा मुकाबले में। इस क्योंकि दोनों तरफ से बिल्कुल अगर बात की जाए तो बल्लेबाज नजर आते हुए अक्षय नए गेंदबाज गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अंपायर के दाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। सामने अगर बात की जाए तो संकेत तुलस्कर एक बेहतरीन खिलाड़ी, एक लेदर क्रिकेट में अगर बात की जाए
इनका भी रहता है, इसी बीच उड़ाया गेंद को काफी देर तक हुआ मैं खिलाड़ी के ऊपर से गेंद जाएगी सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। डीजे खिलाड़ी तैनात, लेकिन यहाँ पर देखो तीसरे अटेम्प्ट में क्या इसको बिल्कुल लपका और अब मात्र संकेत बैक टू द पवेलियन डीजे। पहली गेंद खेल के निकाला बिल्कुल खिलाड़ी तैनात है, बेहतरीन फील्डिंग लेकिन गेंद बिल्कुल सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। 6 रनों के लिए गेंद निकलती हुई, प्रयास बहुत ही बढ़िया था लेकिन गेंद को कलेक्ट नहीं कर सके, आखिरी वक्त से बिल्कुल हाथी छूटी गेंद और बिल्कुल 6 रन मिलते हुए। पहली गेंद के ऊपर तान दिया गेंद को लेकिन थोड़ी सी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए थी, खतरा बन चुके थे मैदान में। और इसी बीच फिर एक बार अक्षय चले गेंदबाज मार्ग के ऊपर चौथी गेंद लेकर सामने बिल्कुल गोटे नाइक, हल्का से टीयर किया गेंद को सम्मान दिया, सिंगल दर मुकम्मल करेंगे, सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, एक दो विकेट के नुकसान पे। प्रारंभिक जोड़ी मैदान से बाहर निकल चुकी, अब मात्र मैदान के बीच में रुपेश बहरे और गोटे नाइक ये दोनों बल्लेबाज मैदान के बीच में शेष है। गेंदबाजी मार्ग के ऊपर अक्षय अपने ओर से पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर दो गेंदों का खेल बाकी, शायद यहाँ पर मौका था जरूर आडेपल्ली के साथ स्क्वायर लेग क्लियर करने का लेकिन बल्ले के पल्ले नहीं पड़ी, गेंद विकेट कीपर के दस्तान में चले गई बगैर कोई रन से बगैर कोई नुकसान से, बिंदी गेंद के समाप्ति स्कोर कार्ड के ऊपर। आखिरी गेंद का खेल बाकी तीसरे ओवर का, क्या आखिरी गेंद में फिर एक बार प्रयास नजर आएगा बल्लेबाज का, बड़े शॉट के लिए जाएंगे क्या? ये देखो बिल्कुल शॉट गेंद और शॉट पिच गेंद के ऊपर बड़ा स्ट्रोक, गेंद बिल्कुल काउ कॉर्नर के ऊपर से है सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। इट्स ऑन डीजे। कुल मिलाकर स्कोर बन चुका है बिल्कुल 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 3 ओवर का खेल हुआ समाप्त, आखिरी ओवर में किस प्रकार की गेंदबाजी रहेंगे, प्रथम ये गेंदबाज आए लास्ट ओवर करने के लिए। अपने ओर से पहली गेंद गोटे के लिए गेंद पटकी हुई गेंद यहाँ पर उड़ाने का प्रयास, कैच के लिए मौका बनेगा, खिलाड़ी तैनात है और यहाँ पर बिल्कुल खिलाड़ी के हाथों में खेल बैठे गेंद, आसान सा मौका जरूर था और अगर तान देते थोड़ा सा वाइडिश तो कवर के ऊपर से बेहतरीन स्ट्रोक बन सकता था लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी हरा किरी की बल्ले के ऊपर चढ़ी नहीं दी गेंद को और यहाँ पर एक आसान सा विकेट देकर वापिस दगाड़ में लौटते हुए गोटिया।
प्रथम चले अपने ओर से दूसरी गेंद लेकर ये गेंद ऑप्टिक के हल्के से बाहर रखने का प्रयास किया बिल्कुल अंपायर अंतर रन मुड़े एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ा जाएगा और एक रन के तहत पारी का स्कोर 40 रन स्कोर कार्ड के ऊपर इसे कहते बिना पायल बजे घुंगरू। पहली गेंद का खेल हुआ समाप्त दूसरी गेंद डालने का फिर एक बार प्रयास करेंगे प्रथम ब्लॉकर में डालने का प्रयास अब मात्र खोज के निकला लेकिन थोड़ा सा किस्मत का सहारा रहेगा गेंदबाज का सिंगल रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पूरे दारोमदार रहेगा रुपेश के ऊपर रुपेश पहरे बिल्कुल ताकतवर खिलाड़ी जरूर है लेकिन मैदान में उस ताकत का इस्तेमाल करना होगा। चार गेंद का खेल बाकी कम से कम दो तो छक्के लगाएगा दर्शकों का मनोरंजन होना चाहिए इसी बीच उड़ाया गेंद को क्या बिल्कुल जाएगी गेंद सीमा के पार 6 रनों के लिए डीजे शेवटचे चेंडू बाकी या इनिंगचा दरच पिडतून घेते आणि जसं ही इनिंग संपते लगेच आगाव संघ तुम्ही आपले फलंदाज आणि एमएसएटी तुळस संघ तुम्ही लगेच क्षेत्ररक्षण शोधून घ्यायचे अजून बरेचसे सामने व्हायचे बाकी आहेत। दत्तप्रसाद बहरे नए बल्लेबाज मैदान के बीच में स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाजी करेंगे आखिरी गेंद का खेल बाकी क्या होगा आखिरी गेंद के ऊपर क्या फिर एक बार चौवा छक्का लगेगा सिंगल डबल के ऊपर निर्भर फिर एक बार गेंदबाज हावी होगा विकेट झटकाएगा क्या होगा इसे आखिरी गेंद के ऊपर चले प्रथम अपने ओर से आखिरी गेंद लेकर कदमों का इस्तेमाल यह गेंद वाइड गेंद ऑफ लेफ्ट के काफी बाहर गेंद पर पिच की फिर एक बार दंडित करेंगे अंपायर बिना पायल बजे घुंगरू एक रन के तहत पारी का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 55 रन स्कोर कार्ड के ऊपर अब तक 55 आखिरी गेंद का खेल बाकी ये गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद यहां पर देखो ये गलतियां आपको महंगी पड़ेगी कुछ जरूरत नहीं थी काका सर और इसे इसके लिए अनुभव होना चाहिए मैदान में इसके लिए थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए मैदान में। दो रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर दो रनों के दर पारी का स्कोर 57 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 57 लॉस ऑफ 4 विकेट 58 टू विन यानी कि 24 गेंदों में 58 रन बनाने की कोशिश यहां पर रहेगी।
इज ऑन स्ट्राइक पर कोण जिंकले सुरेख चेंडू नाणेफेक जिंकतोय तो तेजस स्पोर्ट्स दाबोली. पहिला चेंडू डॉट निघतोय, पहिल्या चेंडूवर दोन धावा, दुसरा चेंडू डॉट, तिसरा चेंडू घेऊन आदित्य पुन्हा एकदा. आणि अतिशय सुंदर खेल झाला असता मात्र किती सुरेख क्षेत्ररक्षण. दोन तीन अटेम्प्ट मध्ये हा झेल टिपायचा प्रयत्न मात्र स्वतःच्या गोलंदाजी मध्ये अतिशय सुंदर प्रदर्शन आदित्य बेहरे यांचं. वेगवान गोलंदाज. टीम मीटिंग घ्यायची नाही कुठच्याही संघाला, सगळ्याच संघांना सूचना आहे लागोपाठ लागोपाठ सामने व्हायचे आहेत. अजून तीन सामने होणं बाकी. आदित्य पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू, या चेंडूवर पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा प्रयत्न. चेंडू मात्र व्यवस्थित बॅटवर येत नाही. अतिशय सुरेख गोलंदाजी आतापर्यंत. क्षेत्ररक्षणेनं पहिल्याच जर चौकार गेला असता तर गोलंदाजावर थोडंसं प्रेशर आलं असतं, थोडासा नर्वस होतो गोलंदाज. मात्र त्यानंतर क्षेत्ररक्षकांनी गेलेली अपूर्वाई निश्चितपणे गोलंदाजाचं मनोधैर्य वाढवते आणि आदित्य एकाहून एक सरस चेंडू फेकतोय. स्वतःच्या गोलंदाजावर तेज दिपायचा केलेला अत्यंत सुंदर प्रयत्न आपण बघितला. सुरेख चेंडू गती परिवर्तन केलेला. बाउन्सर फॉर द ओव्हर पंचांचा निर्णय आणि एक सुंदर चेंडूची सांगता. फलंदाज ज्या चेंडूच्या शोधात होता त्याच्या विरुद्ध चेंडू, म्हणजे दोन्ही एकमेकाच्या माइंड गेम खेळताना. पुढचा चेंडू आदित्य बेहरे यांचा. सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा गती परिवर्तन आणि अशा प्रकारे मला वाटतं षटकाची समाप्ती होते. पहिल्या षटकामध्ये येत आहेत केवळ दोन धावा. व्हॉट अ बॉलिंग परफॉर्मन्स बाय आदित्य बेहरे. चेंडू निर्धाव चेंडू जातोय. विजयाचं लक्ष फार मोठं. 58 धावा. योगेश नेरूरकर पहिला चेंडू निर्धाव फेकतोय. डावखुरे आताचा धीरज फलंदाजीसाठी मैदानात त्याच्या समोर खेळण्यासाठी तयार होतोय. दुसरा चेंडू योगेशचा. रिव्हर्स स्वीपचा फटका मारायचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा चेंडू पॅडवर आदळतोय आणि एका निर्धाव चेंडूची पुन्हा एकदा सांगता होते. आपण सकाळच्या संपूर्ण या सत्रामध्ये एकही षटक निर्धाव अजून बघितलेलं नाही. पहिल्याच सामन्यामध्ये सिद्धेश परब तुळस याची गोलंदाजी, ज्यानं पहिल्या षटकात या स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात पहिल्या षटकात हॅट्रिकची नोंद केली. विकेट हॅट्रिक. सुरेख गोलंदाजी सिद्धेश परब. मात्र संघाला हार पत्करावी लागते.
सुंदर चेंडू यावेळी नेत्र दीपक फटका चेंडू फाइनल क्षेत्र मध्ये सीमेच्या दिशेने अशा प्रकारे सीमा पार होते चार धावा संघाच्या धाव संख्येत भर घालते संघाची धाव संख्या पोहोचते ती एका षटकारावर सहा धावा 58 धावांचा पाठलाग सुरू आहे पहिले षटक जवळपास निर्धाव असं म्हणायला हरकत नाही केवळ दोन धावा येत आहेत या दुसऱ्या षटकामध्ये एक चौकार येतोय तीन चेंडू चार धावा बहाल करतोय तो योगेश नेरूरकर धीरजच्या बॅटमधून आगळा निघालेला चौकार रिव्हर्सिपचा सुरेख फटका चेंडू सीमा पार जातोय का बघायचं चेंडू सीमा पार चार धावांसाठी झाले ती 10 धावा 58 धावांचा पाठलाग 24 चेंडूत पुढचा चेंडू धीरज सुरेख फलंदाजी मोठा फटका मात्र चेंडू सरळ सेफ हँड मध्ये विसावतोय आणि धीरज याची ही छोटे खानी दोन चौकारांची पारी मात्र समाप्त होते योगेश नेरूरकर एक हुशार गोलंदाज आपल्या गोलंदाजीवर गडी टिपतोय आणखी मैदानात पोहोचतोय विजयाचं लक्ष खूप दूर संकेत नावाचा फलंदाज स्ट्राईकवर येतोय योगेश नेरूरकर आपल्या षटकातला शेवटचा चेंडू बलावत्त फेकण्यासाठी सज्ज होतोय 8 धावा देत एक गडी बाद करतोय तो योगेश रुपेश थोडासा क्षेत्ररचना सजवतोय शेवटचा चेंडू या दुसऱ्या षटकातला सुंदर चेंडू मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू विसावतोय एक धाव पूर्ण होते दुसऱ्या धावचा प्रयत्न होतोय आणि दोन धावांनी संघाच्या धाव संख्येत भर पडते संघाची धाव संख्या पोहोचते ती 12 अशी एक डझन अशी धाव संख्या या धाव फलकावर लागते आणि अशा प्रकारे दुसऱ्या षटकाची समाप्ती होते दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर एका गड्याच्या मोबदल्यात 12 अशी संघाची धाव संख्या 12 40 रन अच्छी गेंद बहुत बेहतरीन गेंद अपने आप को शफल किया था गेंद की तरफ गए थे अंपायर के मन में संदेह पैदा हुआ कि यह गेंद खेलने लायक है तो इसी कारण इस गेंद को वाइड न करार देते हुए एक बेहतरीन गेंद की समाप्ति होती हुई आदित्य की गेंद थोड़ी सी आउट स्विंग होती हुई नीचे रहती हुई अतुल के लिए अच्छी गेंद अच्छा स्ट्रोक गेंद शायद रोकी जाए अच्छी तरह से फील्ड करते हुए साहिल सावंत एक रन खाते में जुड़ता हुआ रन संख्या पहुंची 13 पर अभी भी 45 रन चाहिए दस गेंदे 45 रन लगभग नामुमकिन सा ये लक्ष्य अच्छी गेंद फिर एक बार पटक पटकी हुई गेंद थोड़ी सी नीचे रही एक रन गोटिया नाइक जब तक फील्ड करते एक रन देने का मौका इस एक रन के बदल रन संख्या पहुंची 14 रनों पर थोड़ा सा एक तरफा होता जा रहा है ये मुकाबला आदित्य नाइक फिर एक बार चले ये गेंद अच्छी गेंद बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए गेंद सीधी लॉन्ग गॉन बाउंड लाइन लगभग गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला गया एक खूबसूरत स्ट्रोक 6 रनों के लिए
वाइड का इशारा हमारे तरफ बंपर का आने वाला है। तो 21 पर पहुंचता हुआ ये स्कोर, आदि नाइक गेंदबाजी करते हुए अतिरिक्त गेंद डालनी पड़ेगी। एक बड़ा छक्का इस ओवर में आया लेकिन बहुत देर हो चुकी है, बहुत देरी के बाद ये छक्का आया। अच्छा स्ट्रोक आदि, फिर एक बार आदित्य बेहरे गेंद पर आते हुए गेंद को रोका, दो रन लेने का आसान सा मौका प्राप्त हुआ। दो रनों के साथ रन संख्या 23 रनों पर पहुंचती हुई हमारे सामने योगेश नेरुलकर, जिन्होंने एक विकेट हासिल किया, जिन्होंने 10 रन दिए इस ओवर में। लेकिन क्या खूबसूरत पहला ओवर था आदित्य बेहरे का। अच्छी गेंद, फिर एक बार गेंद बल्लेबाज को बल्लेबाज से दूर रखने की कोशिश, इस गेंद को गैदर नहीं कर पाया, निश्चित रूप से रन आउट थे यहाँ, लेकिन आदित्य नाइक गैदर नहीं कर पाए, इसके साथ ओवर की समाप्ति हुई। अब 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए, अक्षय सावंत गेंदबाजी के लिए आते हुए 33 रन चाहिए आखिरी 6 गेंदों में, 33 रन टू विन, और शायद रिटायर्ड हर्ड होकर बाहर जा रहे हैं अक्षय सावंत, नए बल्लेबाज भावेश। अतुल अपने टीम के लिए एक छक्का तो उन्होंने लगाया, बहुत देर उस छक्के के लिए आए, बहुत सारी गेंदें गवाई, पहले ओवर से अगर अटैक करते तो कुछ होता। अक्षय सावंत द स्पीड गन गोइंग टू बॉल द लास्ट ओवर, अच्छी गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत स्ट्रोक था ये, सीधे वहां खिलाड़ी को पाया डीप मिड विकेट पर, और पहली गेंद पर सफलता मिली अक्षय को। उतनी अच्छी गेंद नहीं थी, गेंदबाज के लिए मौका बना था लेकिन उस मौके को ठीक तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए नए बल्लेबाज अक्षय। लगाए तो भी संभव नहीं है अगर एकात वाइड या नो बॉल न करे गेंदबाज। अक्षय फिर एक बार चले, अच्छी गेंद, अच्छी रोकी रुपेश ने भी, 4 गेंदे और जीत का लक्ष्य 33 रन। एक तरफा होता हुआ ये मुकाबला, दोनों टीमें तैयार रहे, पिछला जो आगे वाला जो मैच है राजाराम वॉरियर्स वर्सेस सैंडी कुंडेकर की, वो तेजस दाबोली रेडी रहे। अच्छी गेंद, फिर एक बार अपने आप को सफल किया था, लेग स्टंप के ऊपर से चट गई ये गेंद, तो इस मैच को जल्द से खत्म करने के कागार पर अक्षय। अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद जड़ में फेंकी गई, फिर एक बार डॉट गेंद, तो मात्र 2 गेंदे शेष है और जीत का लक्ष्य 33 रन, 33 रन्स इन 2 बॉल्स। ये गेंद एक बार डॉट गेंद और आखिरी गेंद है, वन साइडेड मैच। अच्छी गेंद, फिर एक बार इसी के साथ ये नहीं लिया, तो ये इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर आता हुआ, और दोनों जो रिकॉर्ड हुए वो तुलस के गेंदबाजों ने किए, पहला सिद्धेश पर अपने हैट्रिक ली और ये दूसरा रिकॉर्ड बनता हुआ। अक्षय सावंत ने एक मेडन ओवर यहां डाला और इसी के साथ फिर एक बार आपसे जुड़ने जा रहे हैं अक्षय धुरी।
है।